जी सिंघा प्रेस न्यूज संचालक जस धुना वाला सरदार केवल सिंह फौजी किरतोवाल वालों मिली जानकारी मुताबिक पत्रकार जसबीर सिंह की रिपोर्ट। उन्होंने दस्या कि जिला तरन तारण च पेंदे पट्टी शहर विखे रेलवे स्टेशन के सामने गुरद्वारा बीबी रजनी दीवान हाल च मनाया गया। आम लोगों के मसीहा भारत संविधान रचनेता सत्कार योग डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा, जिस विच इलाके दे वख वख लोगों ने आके सहयोग किया। बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म दिहाड़े ते लोगों का भारी इकट्ठ वेखन नू मिलिया। इस मौके पहुंचे डॉक्टर जसबीर सिंह जी किरतोवाल, उन्हां नाल गुरद्वारा बाबा आसा सिंह आजादी घुलाटिया प्रबंधक प्रधान अते पिंड बामणी वाले तो वड्डे पद्धर ते जलास के रूप च संगतां पहुंचियां अते इस समय पंजाब के मशहूर गीतकार शाह पनगोटा भी पहुंचे। मंच तस्वीरां च आ रहे नज़र यह प्रबंध सरदार निर्मल सिंह पट्टी जी वालों किया गया अते उत्थों दे नौजवानों वालों अते पट्टी नगर के मोहतबरां वालों इसका वध चढ़ के सहयोग किया गया। दस रहे हैं सरदार निर्मल सिंह अते डॉक्टर जसबीर सिंह किरतोवाल चाह पकौड़िया का लंगर अतुट वरत्या। पत्रकार जसबीर सिंह की रिपोर्ट वेखो वीडियो अते तस्वीर च, यह वीडियो का दूसरा भाग है। चैनल सहयोगी सज्जन सरदार सरवण सिंह फौजी समाज सेवी चोहला साहिब सरबजीत सिंह साहब खुशी जनरल स्टोर चोहला साहिब गोबिंद सिंह मानस रिहाली कलां। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं पत्रकार जसजीत सिंह आप जी का जी सिंघा से विचार कर जा रहे हैं। आप जी ने अज डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जन्म दिहाड़ा आप कह सकते हाँ वह मना रहे हो, काफ़ी आप जी ने प्रबंध करके पट्टी इलाके से इकट्ठ किया है, संगत आई हैं। दसना चाहोगे डॉक्टर अंबेडकर जी बारे अपने बारे? मैं निर्मल सिंह सबका कौंसलर पट्टी और बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर संविधान बचाओ सांझा मोर्चा का मुख सेवादार हाँ। असी बाबा साहब का जिहड़ा अज जन्मदिन मना रहे हैं वो क्यों, क्योंकि बाबा साहब उन्हां लोकां दे हक विच खड़े जिन्हां नूं हजारां सालां तो मनुखी अधिकारां तो वंचित किया रखा गया सी, वंचित करके रखा गया सी। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हां भारत के दबे कुचले ते नड़ताड़े लोगों का जीवन पद्धर उच्चा करन लई लगाया, भावें उन्हां नूं अपनी जिंदगी विच बहुत सारिया बेइंसाफियां दे नाल लड़ना पिया, बहुत सारिया उन्हां नूं अपने जीवन विच मुश्किलां नूं झलना पिया, इत्थों तक कि उन्हां नूं अपने चार बच्चे भी जिहड़े आ ना वो दबे कुचले लताड़े हुए लोगों को मारने पे, उन्हां दे बच्चे दवाइयां खुणों मर गए, भुख नाल मर गए, उन्हां दी घरवाली लम्मा समा बीमार रह के बच्चों के वियोग विच मर गई। बाबा साहब नूं इन्नियां मुश्किलां आउण दे बावजूद भी उन्होंने जिहड़ा दबे कुचले लताड़े हुए लोगों की आवाज़ बने, उन्होंने जिहड़ा हज़ारां सालों तो हक्कां तो बगैर हक्कां तो वांझे रखा गया सी उन्हां नूं सारे हक दवाए। जे आपां बाबा साहब दे जीवन दी दा एक एक दिन की गल करिए ते उन्हां दे जीवन दा हर एक दिन बहुत वड्डे वड्डे संघर्षां चों गुजरिया। जेकर आपां बराबरता की गल करिए बाबा साहब ने जिहड़ा वोट दा अधिकार दिता सानूं वह बिल्कुल बराबर दा अधिकार आ, जिन्ना एक प्रधानमंत्री दी वोट दी वैल्यू आ उन्नी एक मजदूर दी वोट दी वैल्यू आ, जिन्नी एक राष्ट्रपति दी वोट दी वैल्यू आ उन्ना ही एक जिहड़ी आ वह मजदूर दी दिहाड़ी करन वाले दी वोट दी जिहड़े वैल्यू आ। इस तों वड्डा जिहड़ा बराबरता दा हक मैं ते कहूँगा नहीं कोई हो सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार किया, उन्होंने भारत के वख वख जिहड़ा हिस्सों चों आए हुए लोगों नूं भारत के वख वख जिहड़ी सानूं मनुस्मृति ने जिहड़ियां कौमां दित्तियां जिहड़ियां वंडियां पाईआं उन्हां वख वख कौमां चों आए हुए लोगों नूं एक बाटे विच अमृत छका के खालसा पंथ का रूप दिता
और उन्हों का जो जूठा अमृत ही गुरु साहब ने आप छकिया, उन्होंने को आप अमृत छकिया, तो आप भी जोड़ा उन्होंने बराबर अपने आप में उन्होंने खड़ा किया। इस करके जोड़ा इस तो व्डा इनकलाब तो कोई नहीं हो सकता। जोड़ा गुरु साहब ने आपे गुरचेला का जोड़ा वो जो तखाक दिता ज बोलिया वो बिल्कुल उन्होंने ऑन ग्राउंड सच करके विखाया। जदों गुरु साहब के दरबार में पहाड़ी राजे आए जोड़े अपने आप में उच्ची कुलते समझते ही, जोड़े अपने आप में वड्डी कौम के समझते ही, जोड़े अपने आप में भारत के दबे कुचले लताड़े हुए लोगों को वखरा समझते ही, उन्होंने जो गुरु साहब को इच्छा जाहिर की कि असी अमृत छकना चाहते हैं, सिख बनना चाहते हैं, पर एक साड़ी शर्त आ कि असी वखरा अमृत छकेंगे, तो गुरु साहब ने उन्होंने साफ जवाब देता ही। उन्होंने कहा जे अमृत छकना तो ऐसे लाइन में लग के छकना पड़ेगा। मैं एक ही खंडा बाटा तैयार किया जिद सारे लोग अमृत छकन, इस करके कोई मैं दो खंडे बाटे नहीं रखे भी तुम वखरा अमृत छकाव। गुरु साहब ने उन्होंने अपने दरबार चो नकार दिता, भजा दिता, और उन्होंने उन्हों संबोधन करके कि उन्होंने वाले हाथ करके कहा जिनकी जात अवर को माही सरदारी ना भई कदाई इन्हें को सरदार बनाऊ तबे गोबिंद सिंह नाम कहूँ। यानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी सानू बराबरता के हक दिते, बराबरता दिती, और जड़ी रही हुई कसर सी वह बाबा साहब ने संविधान लिख के सानू बराबरता दिती, सानू स्पैशल तौर पर बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिती, दूसरिया लोगों के बराबर सानू खड़े किया, और दूसरों के बराबर सानू जिहड़े सारे अधिकार जिहड़े बाबा साहब ने दिते। इस लई बाबा साहब नू जिते अहीं सिख धर्म नू नतमस्तक होंने उत्थे बाबा साहब नू अहीं नाल नाल नतमस्तक होंने, क्योंकि बाबा साहब ने भी कोई कसर नहीं छड्डी साडी बराबरता सानू बराबरता देण लई, सानू दूसरिया लोगों के बराबर खड़ा करन लई उन्होंने कोई भी जिहड़ी है ना वो कसर नहीं छड्डी। इस करके जिन्हें साडे सरकारयोग जां जिन्हें साडे पूजनीक गुरु साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी भी उन्ने ही पूजनीक ने, इस करके अं जो बाबा साहब की सोच में घर घर तक पहुँचाने का उपराला किया। इस संदर्भ में असं अज बाबा साहब डॉक्टर मस्तक होंने, क्योंकि बाबा साहब ने भी कोई कसर नहीं छड़ी साड़ी बराबरता सानू बराबरता देने लई, सानू दूसरिया लोगों के बराबर खड़ा करन लई उन्होंने कोई भी जिहड़ी है ना वो कसर नहीं छड़ी। इस करके जिन्हें साडे सरकारयोग जां जिन्हें साडे पूजनीक गुरु साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी भी उन्ने ही पूजनीक ने, इस करके अं जो बाबा साहब की सोच में घर घर तक पहुँचाने का उपराला किया। इस संदर्भ में असं अज बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का जो जन्म दिहाड़ा वो पट्टी गुरद्वारा बीबी रजनी जी विखे मना रहे हैं, तो सारी संगत को अपील करते हैं कि बाबा साहब जी के मिशन न जुड़ो, बाबा साहब दी बहुत बड़ी कुरबानियां वा सानू जो बराबरता दवाने लई। इन्नियां बेनतियां नाल जय भीम जय भारत वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। विसाखी का पुरब जान बुझ के 13 अप्रैल में रखिया, वो 14 अप्रैल में भी रख सकते सी, पर उन्होंने परमेश्वर रूप सन, उन्होंने इस गल बहुत वधिया समझ के 13 अप्रैल रखिया। पर अज की श्रोमणी कमेटी जिहड़ी मोदी की चेली आ, मोदी की सेवक आ, उन्हें उस संविधान नूं त्रोड़ मरोड़न के संबंध नाल ही विसाखी जिहड़ी आ 14 अप्रैल नूं कर दित्ती गई। खालसे का साजना दिवस 14 अप्रैल भी श्रोमणी कमेटी ने कर दिता गया, जो बहुत ही निंदन योग है। असी जिहड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के वारस हाँ, श्रोमणी बाबा जीवन सिंह जी जरनैल दे वारस हाँ, और साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के असली वारस असी हाँ, भारत देश के मूल निवासी आदिवासी लोग दलित लोग वो वारस हैं, असी उस जीवनी नूं उस संदर्भ नूं बहुत ज़्यादा प्रेम सत्कार नाल अगे लैके जावांगे, अपने समाज नूं बाबा जी के जीवन उन्हां दीआं कुरबानियां उन्हां तों जाणू भली भांत करवावांगे। जे साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप अपना सारा सरबंस पंथ खालसे तों कुरबान किया, तां श्रोमणी जरनैल बाबा जीवन सिंह जी ने भी अपने 4 पुत्रां समेत, अपने सहुरा साहब समेत, पिता समेत अते सारा परिवार उन्हां भी पंथ खालसे तों कुरबान किया। और बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने
भी अपने चार पुत्रां समेत अपना सरबंस साड़ी खातर कुर्बान किया। पर मैं ये दुख नाल कहना कि देशों विदेशों के लोग होर मुल्क तो बाबा साहब जी समर्थन मानते हैं, सलाम करते हैं, पर उन्होंने उपदेशों उन्हों की जीवनी साडे विचों साडा समाज मनन तैयार नहीं, परंतु उन्होंने दिते हुए राखवा करन उन्होंने दिते हुए नजराने उन्होंने शुकराना करन की बजाय असी सगों दूर जाने हाँ। मैं अपील करांगा कि जिस तरह असी बाबा साहब अंबेडकर जी का 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं, वो असी एक पट्टी इलाके वालों संगठन मजबूत करके पहली तो गल हर महीने एक मीटिंग रखा करांगे, नहीं तो 2 महीने वो तो टाइम पा के ते सारा साल सारे लोगों नूं इन्हां दियां यादां इन्हां दियां कुर्बानियां इन्हां दा त्याग इन्हां दा बलिदान इन्हां दियां प्राप्तियां सारे समाज में लैके जावांगे, ता कि बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मैं डॉक्टर साहब आप जी विचार नाल बड़ा सहमत हाँ। साडी कौम गरीब वर्ग नूं जगाया धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, साढ़े जो साढ़े ही प्राचीन विरसे जो साढ़े वडेरे बाबा जीवन सिंह जी महापुरश जी, उस तो उपरांत सियासी विचार आके जो दबे पुतलियां नूं उठाया नहीं जाता अधिकार नहीं सी मिलता, ये दवाया बाबा अंबेडकर भीमराव जी ने। आप जी ने कहने का मतलब यही है जी? जी अच्छा जी डॉक्टर साहब आप जी ने बाबा अंबेडकर जी का बड़ा वड्डा विचार रखा होरना दे की जागना है, अंग्रेज लोग भारत निवासी लोग सारे ही बाबा अंबेडकर जी को समझते हैं, इन्ना पढ़िया लिखा इन्ना एजुकेटेड साड़ी कौम च पता नहीं क्यों नहीं जागरूकता आ रही, ये बारे दसो। मैं बेनती करांगा कि साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, परंतु गुरु नानक पातशाह तो ही जिन्हों भगत कहा जाता कबीर जी रविदास जी, मैं उन्होंने सतगुरु मन के चलता हाँ। उन्होंने उस वे इनकलाब की गल की जदों बहुत जुल्म ढाए जाते सन, फिर भी उन्हें टाकरा किया ब्राह्मणवाद का मनु स्मृति का, उन्हों तो बाद गुरु नानक पातशाह तो दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे का अमृत तैयार करके साढ़े दलित भाईचारे भारत के मूल निवासियों एक खंडे बाटे अमृत तैयार करके छका के बराबरता दी एक मुठ में लै आते। पर जिमें ही साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी परमेश्वर रूप हो गए, उस तो बाद उस तरह ही फिर देश अंदर ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव बहुत जोर से हो गई, जिदे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान रचिया और उस संविधान के सानू वो बराबरता के अधिकार लैके दते जिहड़ा असी मैंबर पंचायत तो लैके पार्लीमेंट तक कपड़ते हाँ, वो इन्हां दी कृपा है। इस करके जिहड़े लोग साढ़े नहीं पछाण सके असी उन्हां नू जरूर उत्साहित करांगे बाबा जी के जीवन प्रति जागरूक करांगे, ता कि असी अपना संगठन इन्ना मजबूत कर लीए कि दुनिया सानू मन के चले। मैं थोड़ा जिहा विशेष तौर पर कहांगा 1988 कदी बेमौसमी बरसात ज़्यादा होगी तो सानू वो बराबरता के अधिकार लैके दते जिहड़ा असी मैंबर पंचायत तो लैके पार्लीमेंट तक कपड़ते हाँ, वो इन्हां दी कृपा है। इस करके जिहड़े लोग साढ़े नहीं पछाण सके असी उन्हां नू जरूर उत्साहित करांगे बाबा जी के जीवन प्रति जागरूक करांगे, ता कि असी अपना संगठन इन्ना मजबूत कर लीए कि दुनिया सानू मन के चले। मैं थोड़ा जिहा विशेष तौर पर कहांगा 1988 कदी बेमौसमी बरसात ज़्यादा होगी तो किसानों नूं सरकार ने मुआवजा जिहड़ा ही वह बहुत दे दिता, पर जिन्हां लोगों ने मजदूरी करके कणक की कटाई की 6 महीने की अपना रोजी रोटी का लालन पालन प्रबंध करना ही उन्हां नूं कुछ नहीं दिता। साडे इस हलका पट्टी तहसील दिया कुछ जुझारुआं ने यह मिल के एक संगठन मजबूत किया तैयार किया और 5 दिन SDM के धरना ला के और उन्हां तो हरेक तहसील पट्टी के उस मजदूर लई जिहड़े वाढ़ी करते सन
दो गोरियां का उन्हां नूं मुआवजा दवाया। अज भी मैं ये अपील करना खास करके भगवंत मान जी दे सरकार नूं कि जेकर किसानां नूं 15,000 प्रति किलो देना है मुआवजा, तो जिन्हां मजदूर लोगों ने उन्हां कणक की कटाई तो 6-6 महीने का अपना रोजी रोटी का प्रबंध करना ही, उन्हां नूं भी मुआवजा घट तो घट 30,000 जरूर दिता जाए ता ही ये सांझी वालता वाली सरकार होगी। तो नहीं तो यह मनिया जाएगा कि ये फिरकू सरकार है, अपने नूं अन्ना वंडे सीरनी अपने नूं दे ते फिर देश अंदर बराबरता किवें आएगी। अज का जो संदर्भ चल रहा है भावें कांग्रेस का भावें आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या मन लो कि मोदी साहब के इशारे ऐसे ने सारे वो चल रहे हैं, तो जिदे मजदूरों का मलिया मेट हो रहा, दलित लोगों का मलिया मेट हो रहा, अबानी अडानी के होर जे उचेचे उचेरे घराने ने उन्होंने मालो माल किया जा रहा, पर यह बेइंसाफी है। असी इस बेइंसाफी के खातर बहुत जोर शोर ना लड़ाई लड़ांगे, धरने मजारे करांगे, झंडे विच ऐसा डंडा पावांगे जिहड़ा मोदी नूं याद करा देगा कि जिहड़े भारत के आदिवासी आ उन्हां दे भी हक आ वो सानूं देने पैणगे ते असीं अपने संघर्ष नाल लवांगे। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। प्यारे दर्शकों, जी सिंघा टीवी चैनल तुहाडा अपना चैनल है, इस नूं लाइक सबसक्राइब अते शेयर करो तां कि हर आने वाली वीडियो आप जी तक सब तो पहला पहुँच सके। जी सिंघा प्रेस न्यूज़ संचालक जस धुना वाला किसी भी तरह का लाइव मेला करवाने संपर्क करो 97793194268 98726539913।